नमस्कार बुलेटिन को आपण मानको स्वागत करुछि मु जागृति महंती बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान रो एक बड़ खबर कुने राज्य कांग्रेस रे पूणी कंदळ पूणी उठिला निरंजन विरोधी स्वर निरंजन पटनायक को पीसीसी सभापति पद रु हटाइबा को भुवनेश्वर एकाठी होईछंती केतेक कांग्रेस नेता पांथ निवास रे अनुष्ठित दलीय नेतांकर बैठक रे निरंजन को नेतृत्व को समालोचना करा जवा सहित पीसीसी परिवर्तन पई दाबी करा जाय छे। मोहम्मद मुकीम को परवर्ती पीसीसी सभापति करबा को दाबी रखिछंती कांग्रेस नेता। एने एआईसीसी सभापति सोनिया गांधी को अवगत करा जिवो एवं आसंता नवंबर प्रथम सप्ताह रे सोनिया को अवगत करा जिवो बोली कुहा जाय छे। तबे मतांतर एवं मनांतर कांग्रेस रे फाटो ए कंदळ को नेकरी सबुबले चर्चा रे रही थाए। कांग्रेस विशेष भाव रे विभिन्न नेतांक भितरे जो मतांतर थाए अनेक समय ता पदाक आसी थाए। तबे पुणी थरे एभलिया गोटे घटना बा एभलिया गोटे खबर सामना को आसुची निरंजन पटनायक पीसी सभापति वर्तमान अछंती किंतु तांकू हटेकरी तांक स्थान रे नेतृत्व परिवर्तन करिकरी मोहम्मद मुकीम को परवर्ती पीसीसी सभापति करा जिबा को कांग्रेस नेता दाबी करुछंती एवं एही परिप्रेक्षी रे कि जे कांग्रेस नेता जे काठी हेथिले एवं असमान को पक्षरु गोटे बैठक अनुष्ठित होई जाय छी एवं जहां सेठार स्थिर करा जाय छी एआईसीसी सभापति सोनिया गांधी को समान भेटिबार कार्यक्रम रखुछंती एवं तांकर जहां दाबी रही छी तहा भी उपस्थापन करिये बोली जणाउछंती। तबे पीसीसी सभापति रे परिवर्तन को नेकरी ए जो दाबी रही छि या किछ नुआ नुहे अनेक समय रे देखबा को मिले एवं जते बेले अनेक समय रे आमे आपन को कहि रखु छु जते बेले निरंजन को पूर्वरु जते बेले थिले प्रसाद हरिचंदन सेते बेले मध्य तांको विरुद्ध रे गोटे दल सामना को आसीथिले एवं प्रतिक्रिया रखिथिले। तबे दल भितरे कथा कटाकटी किछ नुआ कथा नुहे किंतु भुवनेश्वर रे वर्तमान निरंजन विरोधी मेली बसिथिबा सूचना सामना को आसी मुख्य भाव से दाबी रहिबो निरंजन पटनायक को पदरु हटाई तांको जगह मोहम्मद मुकीम को पीसीसी सभापति कराइबा। तबे कौन पई सेमाने एभला निष्पत्ति देइछन्थि से नै सबिसे सूचना मिली पारि नाही। तबे जो बैठक आज बसिथिला ता धरे किछि दलर वरिष्ठ नेता भी जोग देइथिले। कांग्रेस स्थिति को लेकर भितर गोटे प्रकार आलोचना हो जाए आम भी पूर्व आपण मानक देखेलु जे कि युव नेता थिले जो मैंने कि निरंजन के विरुद्ध में मीडिया सामने में विषोदगार करते और निरंजन प्रतिक्रिया रखी थे। तेज निरंजन पटनायक को लेकर से किटा प्रश्न उठे पीसीसी सभापति पदर हटेबापी वर्तमान दाबी उपस्थापन करा जाउछि। विशेष भाव में आपण माने देखिथिबे जो चलित निर्वाचन जो होता किछि दिन पूर्व जो साधारण निर्वाचन होता ताधेरे कांग्रेस शोचनीय पराजय पर पीसीसी सभापति और नेतृत्व परिवर्तन जो दाबी रही जोर धरीला और असंतोष धीरे धीरे कोहलुला। वर्तमान किसी नेता खोलाखोली भाव में बोधवे मत दे पारती आ किसी समय भितर कि गोटे निरंजन विरोधी मेली गोटे वर्तमान बैठक बसी एवं बैठक रे कौन आलोचना होती सविशेष भाव में किसी समय भितर ही स्पष्ट हो जाए। विशेष भाव में दाबी रही निरंजन पटनायक जेभली भाव में पीसीसी सभापति दायित्व तुलाउथिले से पदर हटेकर जगह मोहम्मद मुकीम कटक रु जी विधायक अच्छा वर्तमान सेठाक आणवाई एम विशेष भाव में दाबी करपारती। तबे अधिक आसंतु आलोचना करिबा एथिपई वर्तमान वरिष्ठ कांग्रेस नेता आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र आम सहित फोन लाइन रे अछंती। श्रीजुक्त ज्ञानेन्द्र आपनको स्वागत करिया पई चाहिबी पूर्ण थरे देखंतु विरोधर स्वर उठुची पूर्ण थरे कंदळ कथा आसुची कोण के कोठी बसिला कोण मु से बिषयरे त कहि परिबिनि किंतु जेतबेले ओडिसा रे निर्वाचन रो विपर्जय हला कांग्रेस रे सभापति श्रीजुक्त निरंजन पटनायक निज तरफरु से सम्मान ओरी जाइले आखिल भारत कांग्रेस कमिटर सभापति से इस्तफा पत्र परवर्त समय श्रीमती सोनिया गांधी जिते दायित्व ने दायित्व तेणु किए कौटी बसिकी आलोचना करदे जे सभापति बदली जाए यह भाविया भूल कांग्रेस दल हूँ गोटे गणतांत्रिक दल समस्त कहार अधिकार अच्छी समस्त बसवार अधिकार अच्छी आलोचना ये तो नवीन पटनायक दल नुहजे नवीन जहाँ कह से हम यह व्यवस्था कांग्रेस दल ना कांग्रेस गोटे छात्र कांग्रेस साधारण छात्र टीए कि युवक टीए तार स्वर उत्तोलन करार अधिकार अच्छी
ତେଣୁ ଏଠି କିଏ କୋଉଠି ବସିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ। जातीय दल जातीय दल रे श्रीमती सोनिया गांधी नेत्री तांको भेटिबाकु मध्ये काहाकु मना नै कि समस्ते समस्तंक मत रखिवार अधिकार कांग्रेस दल रे अछि। एक गणतांत्रिक दल समस्तंक मत समस्ते रखि परिवे सेतर किछ असुविधा नै से तांको काहेकि ना जेहेतु ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁବେ ଆଉ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତେଣୁ କିଏ ସେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡୁ ସେ ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଦିନ ସିଏ ନ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଯଦି ସେ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ସେଥିରେ ତା ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଯାହାର ମଲମ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର, ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାଯିବ କି? ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଛା ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥର ବି ସମାନ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସମାନ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ, ଏଠି କହିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ନବୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ କିଏ କହିକି ଦଳ ଭିତରେ ରହିପାରିବ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଖା ନେତା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନ ଶୁଣୁ ନୋ ସୋ କଜ ନୋଟିସ ନଥିଙ୍ଗ ଡୁଇଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ଏତେ ଯୋଉମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର। ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି କଥା କହିବା, ଆପଣ ବି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଛାଟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପକାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଆସିକିରି ମିଡିଆରେ ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଏମିତି କଥା କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ସିଏ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ଯେ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହେଲେ କରିବେ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ଏଭଳି ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଦଳ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛି ଦଳ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଯେଉଁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ କ'ଣ ରହୁଛି କଂଗ୍ରେସର, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, ଏଥର ବି ମତାନ୍ତରକୁ ନେଇକରି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇକରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛୁ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସୁଥାଏ, ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ନେତା ବି ଦଳୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ପଦରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଖବରରେ, କାରଣ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିସିସି ସଭାପତି କରାଇବାକୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ନେତା। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସ ସେମାନେ ଯାଇକରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
जम्मू एवं कश्मीर गस्तरे जाइथिबा यूरोपीय सांसदों प्रतिनिधि टीम आज सांबादिक सम्मेलन करिछंती भारत एक शांतिप्रिय देश एवं कश्मीर लोकों पाई सेमानकर अनेक आशा रही धारा 370 उच्छेद प्रसंग को एही सांसद माने भारत अभ्यंतरीण प्रसंग बोली कहिछंती एथिसहित कहिछंती भारत एवं पाकिस्तान को परस्पर मध्ये आलोचना करिबा उचित यू सांसद माने आतंकवाद प्रसंगे भारत आभिमुख्य को समर्थन जनाई आतंकवाद विरोधी लड़ाई रे पूरा यूरोप भारत सहित रही आतंकवाद प्रसंग यूरोप खूब गुरुत्वपूर्ण एथिसहित एमानकर गस्त को नहीं भारत विरोधी दलंकर समालोचना नहीं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछंती यू सांसद जे आम गस्त को राजनैतिक दृष्टि रे देखा जाउछि जहाँ दो ठीक नुहे आमे एठाकु केवल परिस्थिति बाबद जानिबाकु आसीथिलु आमे नाजीबादर समर्थक नुहु सेमिति होइथिले आमकु केबे भी चयन करा जाय नथांता एमिति शब्द व्यवहार को आपत्तिजनक बोली कहिछंती यू सांसद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यू सांसदंकु नाजी लवर्स बोली कहिथिले मंगलवार 23 जनिया यूरोपीय सांसद प्रतिनिधि टीम जम्मू और कश्मीर रे पहुंचीथिले सेठारे सेमाने कश्मीरी नेता ऑफिसर एवं सरपंच को भेटीथिले सब सांसद श्रीनगर प्रसिद्ध डाल ह्रद मध्य जाई देखिछंती कश्मीर घाटी स्थिति बाबद सांसद मान भारतीय सेना पक्ष एक प्रेजेंटेशन दी श्रीनगर जवा पूर्व सांसद टीम नुआदिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोवाल को भेटी गस्त को कांग्रेस समेत अधिकांश विरोधी दल समालोचना कर Under big threat. We hear that even yesterday night five innocent workers have been assassinated. And this situation is a global worry. You know? The first impression is this is a beautiful country. But the second impression is there is a very complex situation here, political situation, social situation. And we know that this the beginning has been plenty years ago, and the government tries to solve this problem, and I hope it will go good. There are tensions; we see it without any glass. So, how to solve it? This is a very, very, very big problem, and but I hope. महाराष्ट्र छिड़ुनि सरकार गठन अंक सांग निर्वाचन जीतिले सरकार गठन आवश्यक आसन भी पाइले किंतु बीजेपी और शिवसेना भितर एजाए भागबंटा स्थिर हो पारना फल गोटे सप्ताह हेलानी जारी रही टणाअटरा तेजुची बाघ युद्ध शिवसेना 50-50 दावी अटल रही बेले बीजेपी अढ़े वर्ष सेना को मुख्यमंत्री पद देवा आदौ राजी नुहे सबु विवाद भितरे आज बसिब बीजेपी विधायक दल बैठक देवेन्द्र फडणवीस को पुणि थरे दलर विधायक दल नेता भाव चयन करा पारे बैठक में दलर राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जोगदेवे नाही अन्यपटे गतकाली मेंट ने बड़ बयान देते शिवसेना नेता संजय रावत कही महाराष्ट्र में कहीं दुष्यंत चौटाला नहांती जहां बापा जेल अच्छा शिवसेना को कहीं क्षमता ठारू दूरे रखा उद्यम कले सह्य करना शिवसेना कही निर्वाचन पूर्व बीजेपी सभापति अमित शाह और शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे मध्य होता बुझाणा को मानवा आवश्यक अंपटे मुख्यमंत्री पद को नहीं पूर्व शिवसेना सहित सेमती किसी आलोचना होनवाई फडणवीस बीजेपी और शिवसेना मध्य टणाअटरा भितर आशावादी हो उठी कांग्रेस और एनसीपी आज एनसीपी विधायक दल बैठक अनुषित हो बैठक में दलर आगामी रणनीति संपर्क में आलोचना हो पाए देखिए मुझे इतना ही मालूम है आज एनसीपी की विधायक दल की मीटिंग है बीजेपी के बारे में मुझे मालूम नहीं हो सकती है और शिवसेना की मीटिंग के बारे में मुझे मेरे पास अभी जानकारी नहीं है ऐसी कोई मीटिंग आज हमने तय नहीं की इतना मैं कहूँगा कांग्रेस की भी मीटिंग है आज देखो अभी तो सबको विधायक दल की बैठक करनी पड़ेगी और विधायक दल का नेता सबको चुनना पड़ेगा जब बननी है तब बनेगी कब लगातार सर जब बननी है तो बनेगी ना महाराष्ट्र के कुंडले में जो लिखा है उस कुंडले के हिसाब से बनेगी कुंडली में सर तबे वर्तमान राजनैतिक पाणीपाग मुंबई में कौन कहे आसतु जानवा से वर्तमान वसीम अंसारी अच्छे आम सहित आम मुंबई प्रतिनिधि वसीम अभी की अगर हम लोग बात करें तो फिर अभी भी वो जो दंगल सीएम पद के लिए अभी भी जारी है थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक की सूचना आ रही है
जी जरूर, इस वक्त मैं विधान भवन में खड़ा हूँ जहाँ पे बीजेपी के विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। महाराष्ट्र के जितने भी बीजेपी के विधायक है, दोनों सदनों के, विधानसभा के और विधान परिषद के, दोनों के विधायक दल के जो नेतागण है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही देखा गया है कुछ देर पहले जो उनके सहयोगी पार्टी है, जिन्होंने चुनाव साथ में लड़ा है महायुति में, RPI की बात करें या RSSB की बात करें, वो दोनों के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। शिवसेना महज इससे काफ़ी दूर नज़र आ रही है। इस बैठक से पहले हमने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की क्या जिस तरह से शिवसेना अपनी बात पे कायम है मुख्यमंत्री पद को लेकर, ढाई ढाई साल वो चाहती है, तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है, तो उनका साफ तौर पे इसे लेकर इनकार किया गया है। लेकिन ये भी बताया है कि जल्द यानी कि 2 से 3 दिनों के भीतर शिवसेना के साथ चर्चा पूरी हो जाएगी और उन्हें किस तरह से मनाना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि महायुति में ये सरकार बन रही है, जनता ने भी उन्हें चुन के दिया, इस तरह उनके नेताओं का कहना है। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि शिवसेना की तरफ से कई ऑफर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से पिछली सरकार में बीजेपी को 12 मंत्री पद दिए गए थे, तो हो सकता है 4 मंत्री पद और बढ़ा के दिया जाए, यानी कि 16 मंत्री पद दे दिया जाए। साथ ही डिप्टी CM को भी लेकर बीजेपी इस पर विचार विमर्श कर रही है, लेकिन अब तक शिवसेना की तरफ से कोई प्रस्ताव बीजेपी के पास नहीं भेजा गया है, क्योंकि शिवसेना के नेता ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस वक्त अगर उन्होंने अनदेखी कर दी तो हो सकता है कि आगे 5 साल में उन्हें और भी कुछ ना मिले। यही वजह है कि प्रेशर टैक्टिक साफ तौर पर यहाँ पर देखने मिल रही है शिवसेना की तरफ से, और वो लगातार इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं कि बैठकों के दौर के कई 2-3 बैठकें होने वाली थी 2 दिन के भीतर, लेकिन उस बैठकों से भी शिवसेना ने अपने आप को दूर रखा। और एक तरफ शिवसेना इस बैठक से दूर रख रही है, तो वहीं पे बीजेपी अपने विधायक दल के नेता का आज चुनाव करेगी। देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है। कुछ ही देर में बीजेपी के जो नेतागण एक प्रस्ताव पास करेंगे और उन्हें देवेंद्र फडणवीस को इसका ग्रुप लीडर यानी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। जी आप जो बोले उससे सुनने को ये भी मिल रहा है कि बीजेपी प्लान 2014 फिर से दोहराने की तैयारी में है। अगर शिवसेना से नहीं बनी बात तो फिर बीजेपी के लिए ऑप्शन क्या है, मास्टर प्लान उन लोग का क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभर के आई है, 105 विधायक उनके चुन के आए हैं, साथ ही कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है 5 से 7 लोगों का, तो इस वक्त उनके जो आंकड़े हैं 110 के पार हो चुके हैं, यानी कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते तो सरकार बनाने के लिए पेशकश उनके वो दावा कर सकते हैं। इस दौरान वो शपथ विधि लेंगे और शपथ विधि के दौरान अगर उन्हें सरकार अकेले के दम पर चलानी है तो फ्लोर टेस्टिंग में उन्हें अपने आप को साबित करना होगा। जिस तरह से देखा गया है कि पिछली बार इसी तरह के अल्पसंख्यक सरकार बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी, लेकिन अब उनके साथ सहयोगी दल के तौर पे शिवसेना आ गई थी और उनकी एक बेहतर सरकार 5 साल चली है। अब भी बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से इस बात को लेकर संतुष्ट है कि शिवसेना के पास भी किसी तरह का कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई रास्ते नहीं है, उनको शिवसेना को बीजेपी के साथ ही आना है। महज सिर्फ दूरी कुछ दिनों की बात है, यानी कि 9 तारीख को इस पूरे सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 8 तारीख से पहले नए CM की शपथ विधि है, नए CM को चुनना है, नई सरकार का गठन करना है, तो 2 से 3 दिनों के भीतर ये जो सारी स्थिति है साफ हो जाएगी। विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं बंद बातों में शिवसेना के लिए ऑप्शन ज़रूर खोले हैं। कुछ देर पहले हमने जब बात की थी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से, तो उनका भी कहना था कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव उनके पास आता है तो आला कमान के सामने इस प्रस्ताव को रखकर उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, यानी कि वो बातें रखने के लिए तैयार है आला कमान को बताने के लिए, तो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही थी। तो वहीं पे NCP की तरफ से भी कहा गया था कि अगर ऐसे कोई प्रस्ताव आए नहीं, अगर आएंगे तो विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन शरद पवार ने अभी भी घमासान जारी है। आपके सूचना के लिए धन्यवाद वसीम। दर्शक बंधु आम सहित थे वसीम अंसारी मुंबई रु, आम प्रतिनिधि थे और मुंबई में राजनीतिक पाणीपाग कौन रही वर्तमान आपड़ जेहतु जानुले जैसे कहते बीजेपी विधायक दल बैठक बस देवेंद्र फडणवीस को सेठे नेता निर्वाचित होवर्त पर्यायर अंक केमी छेडुच्च शिवसेना एवं बीजेपी भितर ताही देखा बाकी रहा। जम्मू एवं काश्मीर कुलगाम जिले में आतंकवादी माने पश्चिमबंग 5 श्रमिकों को हत्या करिछन्ति। आतंकवादी आक्रमण में जने श्रमिक आहत होइछन्ति। निहत सबु श्रमिक पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद बासिंदा। सेमाने दिन मजूरी भाव में काम करुथिले। कुलगाम ठारु 5 किलोमीटर दूर करतासुठारे मंगलवार राति 8:15 घटना घटिछि। मृत श्रमिक माने हेले मुस्लिम शेख, कमरुद्दीन शेख,
रफिक शेख नियमुद शेख तासहित रफिक उल जणे आहतंकर अवस्था एबे भलो रहिछे। आक्रमण रे संप्रुक्त आतंकवादी को धरिबा पई सुरक्षा कर्मी को पक्षर अभियान आरंभ होइछे। गुरुत्वपूर्ण कथा हला राज्य रे परिस्थिति समीक्षा पई एक यूरोपीय प्रतिनिधि टीम गस्त दिन ही आतंकवादी माने एभरी कांड करिछंती। जम्मू एवं काश्मीर धारा 370 प्रत्याहार हेबा परे आतंकवादी माने लगातार बाहर राज्यर लोकंकु टार्गेट करुछंती। गत 15 दिन रे आतंकवादी माने 11 जण को हत्या करिछंती। आक्रमण रे संप्रुक्त आतंकवादी को धरिबा पई सुरक्षा कर्मी को पक्षर अभियान जोरदार करा जाय छे। गोदाम की ये वो वही जगह है जहां पे कल शाम जो है मुसल्ला अफराद ने यहां पे गैर रियासती मजदूरों पे फायरिंग की, और ये वो वही जगह है जहां पे फायरिंग के बाद तकरीबन 5 जो गैर रियासती मजदूर हैं वो मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उसमें एक जो मजदूर है वो शदीद तौर पे जख्मी हो गया, जिसको बाद में श्रीनगर के अस्पताल मुंतकल किया गया। और ये वाक़ उस वक्त पेश आया जब यहाँ पे जो है एप्पल का सीज़न है और हार्वेस्ट सीज़न के अलावा जो है यहाँ पे धान की फसल भी काटी जा रही है, और चूंकि आर्टिकल 370 को के अबॉलिश होने के बाद ये एक तीसरा इंसिडेंट है जनूबी कश्मीर के। अगर हम बात करें बिजबिहारा की बात करें या फिर शोपियां की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया, चूंकि इस इलाके को पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया, कॉर्डन ऑफ किया, और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी की जो नफरी है वो तैनात की गई है, और कुल मिलाकर सूरत हाल जो है वो चूंकि काबू में है, ताहम सर्च ऑपरेशन जारी है, और कुल मिलाकर जो है पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कातरसु, कुलगाम। पुणिथरे आसंत फेरिबा वर्तमान से बड़ खबर को। राज्य कांग्रेस रे पुणी कंदळ पुणी उठिला निरंजन विरोधी स्वर। सविशेष खबर आम जाणवा, तेज ता पूर्व कही रखुच्छे भुवनेश्वर एकाठी होती कंग्रेस किसी नेता पांथ नवास अनुषित दलय बैठक में आलोचना कर तेज कौन संपूर्ण खबर आसतु जाणी ए संपर्कित सूचना भुवनेश्वर आम सहित अच्छा मानस मिश्र। मानस, ए चित्र किसी नुआ नुहे, जितेबले भी कंग्रेस नेतृत्व आसती परिवर्तन पर गोटे दल एकाठी हमें पुणी थे सामान अभोग पुणी थे सामान खबर सामना को आसुच्छ। हाँ निश्चित भाव रूपे देखते वर्तमान जो चली बैठक चली गोटे जुव नेतृत्व को देवाई चली जो पुराणा नेतृत्व रही परिवर्तन करने चाहिए और समस्त एक स्वर से कहते जे गोटे नव कलेवर आवश्यकता रही कौन ए मीटर उद्देश्य कौन मीटर लक्ष्य आपंकर डिमाण ना आम कि डिमाण ना आम ये मीट का विरुद्ध दिवाली पर कि कंग्रेस प्रेमी बंधु मैंने डाकि गोटे बैठक मुझे से एवं एटा का विरुद्ध रे होउनी किंतु गोटे चिंतन बैठक से माने करुछंती जोटा कि कांग्रेस ओडिशा रे केमती साधारण मनुष्यंकर आस्था भाजन हबो एवं केमती कांग्रेस आगामी दिन में पुणी एकाठी हेई लढ़िबो केमती एकाठी हबो केमती आस्था भाजन हबो बोली आपण चिंता करुछंती आ निष्कर्ष कोन बाहर नै देखंतु आज एटा प्रथम बैठक बसीछि विभिन्न लीडर्स माने आसीछंती निश्चित आगामी दिन रे कांग्रेस दल रे गोटे नवकलबर हबा दरकार किसी युव नेतृत्व किसी सीनियर लीडर मिसिकी काम होबा दरकार एवं केमिति पुणी पुनर्बार कांग्रेस रो एक्टिविटी सारा जिल्ला रे सारा ब्लॉक रे सारा पंचायत रे हेई परिबो एवं कांग्रेस जो टिके वोट परसेंटेज आपण माने देखिथिबे बहुत कमी जाइछि विगत दुईटा बाई इलेक्शन रे कांग्रेस मध्य ता सिक्युरिटी रखिया पई विफल होइछि तो आ विषय रे जो जो लीडर्स माने इठे अछंती समस्ते तांकर निजर व्यक्तिगत मत दउछंती आपणकर व्यक्तिगत मत कोन आपण कोन व्यक्तिगत भाबरे मत दउछंती काहा कोई नवकलबर रे काहा को आगो को रखिले काहा को लीडर करा गले नवकलबर रे माने उन्नति हेई परिबो आ केवल पार्टी रो नुहे समग्र राज्य रे कांग्रेस रो नवकलबर हेई परिबो बोली आपण चिंता देखंतु मोर व्यक्तिगत मत कहिके किछ लाभ नै आज कांग्रेस दल एक विराट परिवार ये भारत वर्ष को स्वाधीन करथिबा दल तो आधेरे बहुत बड़ नेता माने अछंती लीडर्स माने अछंती तो आज जो आलोचना होउची ए आलोचना रे विभिन्न लोक तांकर निजर मत को रखुचंती विगत दिन रे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कोंतु दिल्ली रे एआईसीसी कोंतु समस्त सहित विचार विमर्श माने करिवे मोहम्मद मुकिम को आपण केते आगो गुना पई कहिबे नै देखंतु आजिका
जो पॉलिटिकल सिनेरियो एवं 2019 निर्वाचन रे जो रिजल्ट अछि ता धरे कांग्रेस दलर जहाँ अवस्था एवं जो भाया भाव में भोट परसेंटेज कमी से जगार कटक भाया सहर से जदि से कांग्रेस दल तरफ जीतिकी कांग्रेस बाना को उड़ेई तले निश्चित तांकर गोटे लीडरशिप कैपासीटी अच्छी सी नेतृत्व भी नहीं पारे तेणु से नवा भी उचित निश्चित नवा उचित एवं मुकिम बाबूंर जहाँ दक्षता अच्छी जहाँ सी प्रूफ कर 2019 निर्वाचन भाया नेता भी एक्टिव हेले आंक सहित आहरी बहुत लीडर्स अच्छा समस्ते एकाठी हो जो नुआ जेनेसन अभी गोटे जेनेसन चेंज हो गला गोटे नुआ जेनेसन आसला तो गोटे नुआ जेनेसन लोक मैंने समस्ते गोटाए मनर हो जदि आम कम करवा पुणी ओडावासी पाखे कांग्रेस दल आस्था भजन निश्चित हम ए संपर्क में एआईसीसी को जे सुप्रीम अच्छा जन नहीं देखो मुझे विषय कहीपर जो मैंने अर्गानाइजर आज ये मीटिंग अर्गानाइज करते विषय कहीपर मुझे जन बंधु हिसाब से ये आसती मो मत मत रही जन उचित शीघ्र जन देखो आज ये गोटे प्रथम बैठक एमती आहरी चार थर बैठक हम आज बहुत भाई मैंने आसीपार ना से आसवे समस्त आलोचना परामर्श विमर्श करी जहाँ हम आपण मैंने देखुवे आज जो मैंने उपस्थित अच्छा ये विगत दिन में जानकी बाबू सहित थे निरंजन बाबू सहित थे जयदेव जेना सहित थे केवल जड़े नेतृत्व क्या कहे मोहम्मद मुकिम ना प्रदीप माझी अच्छा सी भी युव नेतृत्व आम जहाँ कह से एआईसीसी कर नुह जहाँ लोके कहे जहाँ कर्मी कहे तो निश्चित जेहेतु मोहम्मद मुकिम जीति अवस्था तो निश्चित गोटे लीडरशिप कैपासीटी अच्छे ये कहीं मना करें तो जहाँ निष्कर्ष बाहर डिसीजन आउरी आम थरे दी थर तीन थर बसिबू एवं कांग्रेस को रिभाइव करने जहाँ सहयोग दरकार हम मु व्यक्तिगत स्तर मोर करने राजी अच्छी किंतु यहाँ मुझ बारंबार कह चाहिए यहाँ का विरुद्ध मीट हो मो जानवर यहाँ कांग्रेस दल को केमी आम पुणी साधारण लोक आस्था भजन करवा से लड़ू निश्चित भाव में शुणुते जगृति किभली भाव में जे गोटे नेतृत्व परिवर्तन आवश्यकता रोचे कथार बाहरी हो पड़ूगा गोटे नवकलेवर आवश्यकता रोचे और स्पष्ट भाव से कहते जे जदि मोहम्मद मुकिम यार दायित्व नियंती निश्चित भाव में कांग्रेस गोटे मानने रिभाइव हो पार कांग्रेस आहरी आग को जापर पुणि थे ट्विस्ट आसी दल भितर एवं गोटे प्रकार प्रतिक्रिया बयानबाजी आरंभ हो जाए सूचना पाई धन्यवाद मानस ये थी प्रतिनिधि मानस मिश्र जे कि आपण ताजा सूचना दौरे भुवनेश्वर जो भाई भाव में किसी कांग्रेस नेता आज मीट कर बैठक करते पुणि थे कथा उठू निरंजन विरोधी स्वर कथा किसी लोक ए एकाठी होता सूचना मिलू कि कहवा कथा गोटे प्रसंग रही कि भाव में दलर नेतृत्व पर गोटे नवकलेवर करें और सकारात्मक दिगरे चेष्टा किंतु बड़ कथा होची पुणी थरे नेतृत्व विरोधी स्वर जेहेतु उठीची ताकु नेकर चर्चा जोरदार हेची आपण देखुचंती भारत 360 बर्तमान समय हेची एक छोटिया ब्रेक रो ब्रेक पर भी खबर जारी रहिबो।